Example 4. Let x1, x2, xn be a random sample taken from a population. Population क्या given है हमें, जिसका size क्या है n, और x1, x2, xn क्या है, हमारी एक random sample है जिसका size क्या है n. Population which takes the value 1 or 0, जिसकी values क्या है 1 या 0. With respect probabilities p and 1 minus p. 1 minus p क्या होता है हमारा, q होता है. Show that summation of xi minus 1 upon n minus 1 is an unbiased estimator of p square. यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, बर्नौली पॉपुलेशन किया है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू म्यू और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, सॉरी मीन इक्वल टू पी, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू. फॉर एन टाइम्स क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू एन पी, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू. जो ये बर्नौली पॉपुलेशन है वो हमने थर्ड सेम में की थी. नाउ सिंस x1, x2, xn ये हमें रैंडम सैंपल गिवन है जिसका साइज क्या है n, टेकन फ्रॉम बर्नौली पॉपुलेशन विद पैरामीटर p, देयरफॉर t इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi अप्रोचेस टू b n कॉमा p, सो e ऑफ t इज इक्वल टू np, वेरियंस ऑफ t इज इक्वल टू np q. Q की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस पी, क्योंकि P प्लस Q इज इक्वल टू 1. इसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. नाउ E ऑफ, यहाँ पे ये पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू E, इसकी वैल्यू क्या थी T, तो पुट कर दी T माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. n माइनस 1 हमारा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, e माइनस e ऑफ t, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा t. नाउ हमें फॉर्मूला पता है, वेरियंस ऑफ t इज इक्वल टू e ऑफ t स्क्वायर माइनस e ऑफ t का होल स्क्वायर. e ऑफ t स्क्वायर को एज इट इज रख लिया, और ये हमारी टर्म क्या चलेगी उधर, तो ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव. वेरियंस ऑफ t इज इक्वल टू ए वेरियंस ऑफ t प्लस e ऑफ t का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी. तो वैल्यू पुट करके क्या आ गया, वेरियंस ऑफ टी प्लस ई ऑफ टी का स्क्वायर माइनस ई ऑफ टी एज इट इज. नाउ इसकी वैल्यू क्या आती, एन पी, वन माइनस पी, प्लस इसकी वैल्यू क्या आती, एन पी, तो ऊपर स्क्वायर है तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस ई ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एन पी, तो इसको ओपन कर दिया, एन पी माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी, इसके साथ ये कैंसल, क्या बच गया, माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन निकाल दिया, सो कॉमन क्या आया हमारा, एन पी स्क्वायर, अंदर क्या रह गया, माइनस वन, प्लस एन एक बाहर चल गई, अंदर क्या रह गया, एक एन पी स्क्वायर हमने बाहर निकाल दी, अपॉन एन एन माइनस वन, तो क्या बन गया, एन पी स्क्वायर एन माइनस वन अपॉन एन एन माइनस वन, इसके साथ ये कैंसल, एन के साथ एन कैंसल, इक्वल टू पी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, दस समेशन एक्स आई माइनस वन अपॉन एन एन माइनस वन इज ए अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पी स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था. थैंक यू.